टाइम ही नहीं मिल पा रहा खुद के लिए भी। ये है जी सदर बाजार, ऐसे आता है ऐसे। के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई है जीवन की। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया होगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। जस्ट अभी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह की शुरुआत आज भी बिल्कुल होच पोच में ही हुई, और स्टार्टिंग भी मैंने कभी सोचा नहीं था खाना बनाते बनाते ऐसे मैं करूँगी, लेकिन फिलहाल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा खुद के लिए भी। रात सोते सोते लेट हो गए, सुबह उठते उठते लेट हो गए, फिर सुबह उठ के अभी मैंने ब्लॉग एडिट किया, आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं। सब्जी मम्मा ने बनाई हुई है आलू की, तो फुलके अभी बना रही हूँ मैं साथ में। आरती भी तैयार हो रही है मार्केट जाने के लिए, जोशी जी ने भी नहा लिया है, वो भी तैयार हो रहे हैं। बस ऐसी सी ज़िंदगी चल रही है। आधे से ज़्यादा शॉपिंग तो वैसे हमने कर ली है डन, थोड़ा जो सामान रह गया है वो मैं सोच रही हूँ कि आज उसको भी निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर घर के काम वाम में लगेंगे। ब्रेकफास्ट किया जा रहा है अभी यहाँ पर, जोशी जी भी नहाकर तैयार हैं। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। अभी तक ये भी लैपटॉप पे लगे हुए थे अपना काम करने, कल इन्होंने भी रेस्ट की है, तो आज इनका भी काम डबल है ना, भागा दौड़ जिंदगी में। आज जिंदगी में काफ़ी कुछ नया हुआ है, नए तवे पे आज रोटियां बनाई जो हम कल लेके आए थे, और ये न्यू जैकेट भी आज मैंने पहनी है। दीदी का स्पेशल फ़ोन आया था कि ये वाली जैकेट पहन के आना, वो भी ये जैकेट पहन के आ रही होंगी। जोशी जी ने हमसे पहले आके गाड़ी साफ़ कर ली है। दोपहर के भी बज रहे हैं 1:30, और हम लोग भी हाईवे पे पहुंच गए हैं। हमारे साथ अभी दीदी आए थे, उन्हें उतरना था IBS कॉलेज पे, उनको उतार दिया है, और हमारी दीदी आ रही हैं, वो भी घर से निकल चुकी हैं, और वो मैं और आरती जाएंगे। मम्मा आज नहीं आए, अभी मम्मी जस्ट नहा के बाहर ही निकले थे जब हम लोग आए तो। और पिछले 2-3 दिन से, जिस दिन से आरती का लहंगा बुक करवा के आए ना हम, उस दिन से ही सिर में इतना गंदा दर्द हो रहा है। उस दिन से रेगुलर मैं मेडिसिन ले रही हूँ सिर दर्द के लिए, सिर दर्द मेरा जा नहीं रहा, अभी भी मैं दवाई खा के आई हूँ। ऐसा सब कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, तो बस आज मेरी बस ये मेरा आज टारगेट है कि आज मैं जो बाहर की जो शॉपिंग वोपिंग है ना वो सब निपटा दूँ, बस आज ख़त्म हो जाए, बाकी देखते हैं जितना सामान मिल पाया जितना हो पाया। अभी हम लोग कश्मीरी गेट पहुंच ही गए हैं, ऑलमोस्ट 15 मिनट पहले से दीदी का फ़ोन आ रहा है कि वो पहुंच चुकी हैं। दीदी का पहले पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस रास्ते से दीदी आती है ना वो उधर खजूरी वाली साइड बहुत जाम लगता है, तो पिछली बार भी इसी चक्कर में दीदी हमारे साथ नहीं जा पाई थी, तो अब दीदी पहुँच गई हैं, तो हम लोग फटाफट से बस पहुँचने वाले हैं। और आज मैं न्यू अपना पर्स भी लेकर आई हूँ, ये मुझे पल्लवी ने दिया था, दिख रहा है ये अच्छा ना जोशी जी, पर्स पल्लवी ने दिया था मेरे को। आज मैं भारी वाले नहीं पहन के आई जैकेट वगैरह, वैसे बाहर धूप इतनी तगड़ी हो रही है ना, ऐसा इसकी भी नीड है नहीं। वैसे मेरा मन तो कर रहा है मैं उतार दूँ इसको गाड़ी में, लेकिन आरती मना कर रही है कि पहन के चलो साथ में, मैं तो टोपा भी पहने वो ओवर केयर कर रही है। चलो चले चलो चले, ठीक है क्या कह रहे हैं जी 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 जी, दीदी उस पार है उधर जाना है अभी हमें। दीदी हमें मिल गई है, दीदी को हमने डरा दिया, देखो हम दोनों सेम सेम पहन के आए हैं। इधर की साइड छाया सी हो रही थोड़ी है ना, उधर की साइड धूप हो रही है तगड़ी। जोशी जी ने मुझे स्पेशल बोला है फोन संभाल के रखना, पर्स संभाल के रखना, इनको डर लगता है बहुत ज्यादा मुझे अकेले भेजने में, ये साथ में होते हैं ना तो मुझे भी सब में थोड़ी सिक्योरिटी फील होती है। अभी भी आ रहा है क्या? नहीं वो छोड़ के चले गए। अच्छा मिल गया हमें, आरती पीछे बैठी है, हम आगे बैठे, बचपन के दिन याद आ रहे हैं। ऐसी बैठी ये घोड़े आज हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। मैं अभी जाऊंगा। रिक्शे से उतर गए, अभी हम छोटी छोटी गलियों से होते हुए एंट्री होगी अभी हमारी सदर बाजार में। शॉपिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ से, जैसा दिख रहा है वैसे ही है ना, हाँ, वैसे ही है जो बाहर दिख रहा है।
न्यू शेड है, मुझे दिखाया है। नहीं नहीं मैं वही कह रही हूँ, इसको बता। अब वो वाले सेट भाई, ये वाला पीछे वाला ₹100 मेकअप किट देखी जा रही है यहाँ पर। खतरनाक चीज है ये तो। ये अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। चूड़िया ही चूड़िया। ये पूरा करना है? हाँ ये पूरा। और कौन सा देना? ये फिर छोटा साइज आपको किसी काम का है तो देख लो। छोटी बनती है ना कुछ। चिप्पर अंदर तेरा का तक कमाल नहीं। पर अंदर देखे जा रहे हैं यहाँ पर। पर्स की तरह दीदी बस। चूड़िया ही चूड़िया, चूड़िया ही चूड़िया। भैया 2-6 मंगा देना। साड़ियों की पैकिंग करने के लिए भी हम लोग कवर देखने के लिए आए हैं, ऐसे वाले कवर। यहाँ से क्या व्यू दिख रहा है सदर बाजार का भाई साहब। मेरे लिए तो चाहिए था। सदर बाजार का रश देखिए, ये है जी सदर बाजार। ओ भाई साहब कितना क्राउड दिख रहा है। छोटे छोटे सिरों पे इतना इतना बोझा लेकर घूम रहे हैं लोग भाई। यहाँ आकर ऐसे लग रहा है जिंदगी जीनी इतनी भी आसान नहीं है। वो देखो जिस साइड से हमें जाना है ना, उस साइड बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है, तो हम रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, अंदर वाली साइड से, ताकि आराम से पहुंच जाए। चलते चलते थक गए, इतनी थकान हो रही है भाई साहब। इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ एक बार फिर से हम उसी जगह पे आए हैं जब लास्ट हम सदर बाजार आए थे, यहीं खाना खाया था हमने। गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े विद सब्जी। एक जोड़ी जूते लेने थे वो ले लिए हैं, और बाकी अभी यहाँ पे पेटीकोट लिए जा रहे हैं मैच करके साड़ियों के साथ। सामान सेट करके रखा जा रहा है अभी। शॉल लिए जा रहे हैं यहाँ पर। शाम के 6 बज गए हैं, अभी भी हमारी शॉपिंग खत्म नहीं हुई। और सदर बाजार में घूमना है, किसी भी मार्केट में घूमना है, तो बेस्ट तरीका यही है आगे की तरफ, क्योंकि पीछे से कब आपकी जिप खुल जाएगी, कब जेब फट जाएगी पता नहीं पड़ेगा, और पैसे गायब, पैसा हजम। दीदी और आते पीछे आ रहे हैं, लटकन लिए जा रहे हैं अभी। शगर के कार्ड देखे जा रहे हैं यहाँ पे, विद क्वाइन विदाउट क्वाइन। सिल्वर में ये भी दे सकते हैं। हेयर एक्सेसरीज मेरे सेट पे भी जा रहे हैं। गोल्डन में ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी एडी वाले पीछे सब में है ना, बिना इयररिंग्स का कोई भी नहीं। चलते चलते अभी ब्लॉग मैंने अपलोड किया है, अभी बज चुके हैं 7:30 शाम के, और पूरी तरीके से सेटिंग हुई। आज भी सामान बहुत ज़्यादा भरा हुआ है हमारे पास। अभी जोशी जी को कॉल किया है, वो आ रहे हैं आर के आश्रम के पास, तो हम वहीं जा रहे हैं आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास। तो चलिए चलते हैं। आज का दिन भी बहुत थकावट भरा रहा, लेकिन लिस्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि मैंने सामान ले लिया है, बाकी घर जाके मैच करूंगी अब क्या रह रहा है क्या आ गया। चलो चलिए। रिक्शा वाले भैया ने अभी हमें मेट्रो स्टेशन के पास उतार दिया है। जोशी जी से फोन पे बात हो गई है, वो थोड़ी देर में अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं। 5-10 मिनट वेट करने के बाद जोशी जी पधार चुके हैं गाड़ी लेकर। अभी सर्विस करवाई है, गाड़ी फिर से गंदी हो गई है हमारी। जोशी जी की गाड़ी में सवार होकर निकल गए अभी हम लोग यहाँ से। पहले दीदी को छोड़ेंगे नियर बाय इनके घर के, जहाँ तक छोड़ पाए। दीदी कह रहे हैं कि रात तक ऑटो रिक्शा चलते ही रहते हैं, हम तो बोल रहे हैं हमारे साथ ही चलो, लेकिन दीदी कह रहे हैं कि कल सुबह ऑफिस जाना है, ऑफिस का बैग भी इनका घर में, अगर इनके साथ होता तो फिर हम दीदी को साथ ही ले जाते, लेकिन इनका ज़रूरी है अभी कह रहे ससुराल जाना। पावर हाउस के करीब से निकल रहे हैं अभी। आज पता नहीं किस बात का इतना जाम लग रहा है। मंदिर सामने बरगद वाले को। अच्छा जय भगवान जय हनुमान जी। जोशी जी डेली जाम लगता है क्या यहाँ इतना? रोज का डेली का नींद आ रही है रोज का ही। चलो चलो बाय 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 बाय। रात के 9:15 बज चुके हैं अभी। दीदी को यहाँ छोड़ना था, इस चक्कर में हमें बहुत टाइम लग गया, हम है ना 1.5 घंटा लग गया हमें ना। तो खजूरी का यहाँ का जाम बड़ा गंदा होता है, लेकिन इस बार फिर भी लास्ट में 4 घंटे लग गए जाने देखा था व्लॉग में,
तो उस दिन तो खैर वो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी आरख इस चक्कर में मतलब हाईवे पे चलने ही नहीं दे रहे थे रिक्शा, और नीचे कच्ची सड़क से लेकर आया, बड़ा गंदा रहा उस दिन का सफर था हमारा। तो अभी दीदी को खजूरी उतार दिया, वहाँ से सिर्फ एक ऑटो लेना है दीदी को, फिर वो घर पहुँच जाएंगी। बोला घर पहुँच के मैसेज कॉल कर देंगे, अब हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। उधर से इधर को आते हुए इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना इधर से उधर को जाते हुए लगता है। हवा हवाई स्कंजी पे रुके हैं अभी हम, जैन स्कंजी वाले हाईवे पे। जोशी जी कह रहे भूख लग रही है, सुबह इन्होंने सिर्फ दो ही फुलके खाए थे, उसके बाद कह रहे कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला, बिजी होंगे। हमें तो फिलहाल कुछ ऐसी भूख लग नहीं रही, चलो खा रहे तो हम भी थोड़ा बहुत हाथ मारी लेंगे। नहीं चाय नहीं, गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल और मिक्स पकौड़े, ये जोशी जी ने ऑर्डर किया चाय के साथ। आरती और मैं चाय नहीं पी रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा इसमें भी खा लेंगे। एक बैग और था, अच्छा वो तो दीदी का ले लिया। हाँ गाड़ी खड़ी कर दी है, सामान लेकर जा रहे हैं अभी घर। चलो चले चलो चले, देवर जी भी आ गए हैं आज घर साइड से, कि सुबह आते हैं शाम को साइड के लिए निकल जाते हैं। कैसे लटक के जा रहा है इधर, टोपी से कैसे आके ढक रखे हैं आराम से आराम से। रात के 10:30 बजे जस्ट अभी हम लोग घर में एंटर हुए हैं और मम्मा रसोई में लगे हुए हैं। क्या बनाया मम्मी? मसूर की दाल रोटी भात बैलून किसने दिया है? इस सड़े से बच्चे को बैलून किसने दिया है? ये छोटा सा बच्चा कहाँ से बैलून लाया है? झूठ बोल लो। नहीं लाया। जबरदस्ती गला पकड़ रहा है। क्या लाऊं मैं? लाया। क्या लाया? अरे क्या लाया ये तो बता। यही क्या? यही है गुब्बारा। बुआ लाई है। हाँ बुआ लाई है, बुआ से ले जा। अभी 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 चाची दिखाएगी ना, फिर देंगे बाबू को। रुक जा थम जा जरा, थम जा। चाची क्या लाएंगे? चाची अलग लाएंगी, बुआ अलग लाएंगी, सबसे अलग अलग गिफ्ट चाहिए इसको। चाचू अलग लाएंगे है ना? ये कौन से चाचू है? नाम कैसा? ये भी आपके, नाम तो बताओ। गोपू चाचू है ये। अच्छा ये अन्नू चाचू। मम्मी ने सिखा रखा है गोपू चाचू अन्नू चाचू। नाम क्या आपके? गोविंद गोविंद पापा। जैसे कि डेली की परंपरा है, हम सामान खरीद के लेके आते हैं, उसके बाद घर वालों को दिखाते हैं। तो अभी पिटारा यहाँ पे खुल रहा है और ईशान भी देख रहा है। कौन सा? ईशान को उम्मीद है कि इसमें ईशान का कुछ है। सामान हम काफी लेके आए हैं, लेकिन शेयर आपके साथ तभी करेंगे जब हम वेयर करेंगे। क्यों? खाने की चीज है? खाऊंगा नहीं, चूड़ी है बाबू। चूड़ी कैसी होती है? ऐसी होती है, चाची ने पहनी, बुआ ने पहनी कड़े से। पहनेगी? नहीं देखूंगा मैं बाबू। ये सारी बातें कैसे दिखाओ एक बारी, खड़ी हो गोविंदा कहीं आ गया। ऐसे लगाते हैं, ऐसे सर पे लगता है, ऐसे आता है ऐसे। हाँ बाबू, ये बाबू फट जाता है, इसकी खराब है, गंदा बच्चा है। वो दिखा दा कौन सी साड़ी लाया करा, तू दिखा दे बाबू। यार ऐसा कोई फैशन चलता है यार? इसमें बालों में लगवाएगी तू? और कहा लगाते हैं? बालों में लगेंगे, अपने बालों में लगवाना तू बंद ना। और ये छोटी बड़ी सब लाओ भाई, लाओ लाओ, ठीक है चलो ठीक। सामान उठा के पन्नी में रखने का शौक है इसको बस। ये क्या है? दिखा तो सही क्या चीज है? रोटी बनाने वाला। ईशान को फाइनली मिला अपना गिफ्ट। ये अच्छा लग रहा था, एक बार मैं भी लेके आई थी अपने।
बाबू लो रोटी बना, ये रोज मम्मी के बगल में बैठता है रोटी बनाने। मम्मी से पहले दादी दे रहा, दादी दे रहा बेलन। ठीक है बाबू, रसोई में रख दे, हम खेलते नहीं है बाबू, इससे रोटी बना दे। खेलेगा मैं तो रहने दे यार, तू रसोई में ले जा रोटी बनवाने जाके फिर उससे। तो कैसे बनाएगा रोटी, कैसे बनाएगा रोटी, बना के दिखाना कैसे बनाएगा। यार रख के दिखा दे चाची, चाचू को सिखा दिया रोटी बनाना। नहीं चाचू को आता नहीं, उसको आता है। चलो ईशान ने तो सीखी रोटी बनानी कम से कम। अब ईशान चल, अब ईशान रोटी बनाएगा। चल भाई बना के खिला दे रोटी, चल चल चल। हंस क्या रहा है? देवर जी को यही नहीं पता कि आरती की शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। दो तीन महीने में ये अभी घर आ रहे हैं तो इनको पता ही नहीं कि क्या क्या चल रहा है घर में। कह रहे कार्ड छपे नहीं ना अभी, मेरे छपे कार्ड देख रहे। कुर्ता पजामा ले रहा, जो मैं लूंगा वही कलर के ले लूंगा, एक कौन से हरा पीला। और जोशी जी कार्ड्स पे नाम लिख रहे हैं जिनको देने हैं। आरती ने कार्ड दुबका लिए, नहीं मेरे पास कार्ड दुबका खा लिए, भी जबरदस्त दे लिया था। भाई ने तो सारे रख लिए, यहाँ पे कार्ड्स का बंटवारा हो रहा है। इसमें भी वापस के कार्ड सारे यहाँ पे। मम्मी कंबल उठा दो, एक बार कंबल उठा दो, देख रहे हो मम्मी कितनी चलाकी कर रही है। दो तीन चार पाँच। इचानो ये का कर लिए तू? मेरे लिए रोटी बना रहा है ना बाबू। किस अपने लिए? अपने लिए बना रहा है, नहीं बना चाची के लिए बना रहा है ये रोटी, है ना? मेरे लिए बना रहा है, नहीं बुआ के लिए बना रहा है, नहीं नहीं दादी के लिए, नहीं मेरे लिए। तो कितने रोटी खाएगा? इतनी जितनी बनी है बस, इतनी हो जाएगा इतने से? चलो ठीक है, जवाब दिया था ना ये बोला होगा चाचू के लिए। कौन सी क्लास में? हाँ। बड़ी वाली। अच्छा। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावते इश्क है। ये दस्तरखान मैंने इतना ढूंढा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। डी मार्ट, घंटाघर, तो रामनगर, जहाँ भी मैं गई हर जगह से देखती थी, लेकिन फाइनली आज ही मुझे मिल गया और आज इसे बिछा कर आराम से खाना खाया जा रहा है। आज खाना ज्यादा टेस्टी लग रहा होगा ना इसके ऊपर। बढ़िया, सही है ना, कलर भी अच्छा आया ना। मम्मा ने अभी गर्मा गर्म खाना तैयार किया है, माँ के हाथ का खाना, क्या कहना क्या कहना। बढ़िया। घर में सभी का खाना पीना हो चुका है, अभी फ्री होके अभी रूम में आ चुके हैं। जोशी जी जब खाना खा रहे थे ना, उनको खाना खाता देख के मेरा मन भी कर गया खाना खाने का, क्योंकि मसूर की दाल मैंने आपको पहले बताया था मुझे बहुत अच्छी लगती है, काले मसूर की दाल। तो रोटी बनी हुई थी लेकिन फिर भी मैंने चावल खाया उसके साथ, क्योंकि मुझे चावल के साथ वो वाली दाल अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है वैसे। तो आप में से अभी आपके कमेंट्स की रिप्लाई करी थी तो एक दो कमेंट्स आ रखे थे कि दीदी डाइटिंग हमें नहीं लग रहा कि कर पाना आपके बस की बात है। तो हाँ मैं खुद मान रही हूँ कि डाइटिंग कर पाना मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। जब जोशी जी खाना खाते तो मेरा मन, मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ अपने आप को कि आरती नहीं खाना नहीं खाना। अभी टाइम क्या हो रहा है, रात के 12:30, तो तकरीबन 12:30-12:20 के करीब खाना खाया होगा। तो वहां से सामान लेके आए, सामान खोल के सभी खाए। जोशी जी सामान कैसा लगा आपको? सच्ची बढ़िया था, जो आज शॉपिंग की सब अच्छी लगी आपको? तो वही सब कुछ सिस्टम दोबारा हुआ, लिस्ट मैंने चेक की तो मेरी लिस्ट में से ऑलमोस्ट जो सामान था वो पूरा डन हो चुका है। थोड़ी बहुत जो कमी है वो भी एक दो विजिट और लगेगी, वो क्योंकि सामान हमने इधर वाली मार्केट से नहीं लेना, वो बाहर से लेना है, तो जब भी लेंगे वो आपको ब्लॉग्स में दिखाई देगा। और बाकी सारा सामान मेरी लिस्ट के हिसाब से डन हो चुका है अभी, तो मैं कह सकती हूँ कि जो शॉपिंग मैंने सोची थी वो सब फिलहाल कर ली है हमने। तो दीदी को छोड़ने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ा, थोड़ा चक्कर हमारा दूर का लग गया आज, लेकिन चलो ठीक है, लॉन्ग ड्राइव होगी एक टाइप से हमारी। और देवर जी का बार बार ऐसे हो रहा है, ये जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब सुबह जैसे एक साइड कंप्लीट करके घर में आए तो शाम को सामान पैक करके फिर निकल गए। दो बार तो भी ऐसे वो आपने भी देखा व्लॉग्स में। तो फिलहाल वो कह रहे हैं कि भाभी भी कुछ दिन के लिए तो यहाँ हूँ लेकिन कुछ नहीं पता कब तक लिए यहाँ हूँ। तो मैंने अभी उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या तैयारी हो गई, क्या सामान आ गया क्या नहीं आया, जब उनको यही नहीं पता कि शादी के कार्ड छप गए कि नहीं छप गए, वो अनजान है इन सब चीज़ों से कि क्या चल रहा है करके। तो इवेंट की लाइन ही ऐसी है, बंदा ज़्यादातर बाहर ही बाहर पता ही नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ना इवेंट आए तो कोई ना आए तो फिर लगातार बाहर ही आते रहते हैं। तो इसी बहाने चलो थोड़ी घुमाई फिराई भी हो जाती है, अलग अलग जगह का खाना खाने को मिल जाता है, देखने के लिए मिल जाती है कौन सी जगह कैसी है। जोशी जी आपका आज का दिन कैसा रहा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो अभी ये अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। जोशी जी हैप्पी रोज डे, आज कितनी तारीख है? 7 फेब। हैप्पी रोज डे।
ये भी दुनिया से अनजान ही चल रहे हैं। इनको वैसे कभी भी ऐसा इनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीज़ों में, ना इनको याद रहता है। याद मेरे को भी नहीं था आज, वहाँ जगह जगह पे फूल लगे हुए थे तो मेरे को देख के एकदम से याद आया कि हाँ भाई रोज़ डे है, तो मेरे को अपने रोज़ के लिए तो रोज़ ले लूँ मैं। कई बार ये गुस्सा दिला देते हैं, चिड़चिड़ पिटपिट भी करते हैं, लेकिन इनके बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई है जीवन की। ये इजहार नहीं करते लेकिन हाँ मुझे पता है प्यार करते हैं, करते हो ना जोशी जी? लव यू, लव यू सो मच। नहीं ऐसे तो प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने कल परसों सच में मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था जब इन्होंने बोला कि नहीं मुझे ड्रेस अच्छी नहीं लग रही करके, फिर मेरे को चेंज करनी पड़ी। उस समय तो बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर जब मैंने व्लॉग अपलोड किया आपके कमेंट्स आए तो काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि नहीं जीजू को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ज़्यादातर कमेंट जोशी जी के पक्ष में ही आए थे। मैं ये देख कर हैरान थी कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए कि दीदी कईयों के पति तो इंटरेस्ट ही नहीं लेते क्या पहन रहे हो क्या नहीं पहन रहे, कैसे लग रहे हो कैसे नहीं लग रहे। अगर जीजू कंसल्ट कर रहे हैं वो चाहते कि आप उनकी चॉइस से पहनो, या वो ये चाहते हैं कि आप संस्कारी दिखो सबके सामने, तो जीजू आपको प्यार करते हैं आपकी केयर करते हैं इसीलिए बोल रहे हैं। तो आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे भी बड़ा ऐसा पॉजिटिव सा फील हुआ, मैंने कहा नहीं सही है यार, सबका नेचर सेम नहीं होता, और कोई बात नहीं टेढ़ा है पर मेरा है तो जो है जैसे हैं परफेक्ट हैं, खुश हूँ बस इनके साथ, है ना जोशी जी? मैं खुश हूँ ना, वो तो आप बता सकते हो, मैं कैसे बताऊँ जी? कहने की जाकर कॉन्फिडेंस देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से बीता आज का दिन, और देखते हैं बाकी जो भी होता रहेगा आपको व्लॉग्स में दिखता रहेगा जैसे जैसे तैयारियां चलती रहेंगी। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि कब है शादी की डेट बताओ बताओ, तो जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे सारी सारी इन्फॉर्मेशन, आपको पता लगती रहेगी जैसे जैसे जो जो होता रहेगा, और जल्दी शेयर करेंगे डेट भी आपके साथ। तो बने रहिए साथ में, बस चैनल में अपना प्यार देते रहिए जैसे आज तक देते आए हैं, आगे आपसे और भी ज़्यादा प्यार की उम्मीद है हमें। मिलते हैं बहुत जल्द, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। या ये आहा आहा।